अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटे, थर्ड चैप्टर के थर्ड लेक्चर के साथ मैं हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में। हम मॉडर्न पीरियडिक टेबल बेटे प्रॉपर डिस्कस करेंगे। आपको याद होगा कि 1913 में एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुए थे, जिसके बाद से उसके बाद एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की गई और आज तक एलिमेंट्स उसी भी हाफ पे अरेंज किए जा रहे हैं। बेटे एटॉमिक नंबर को क्यों प्रेफर किया गया, इसकी बेसिक दो रीजंस थी कि ये रेगुलरली इंक्रीज होता है फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट, दूसरा बेटे ये कि इट इज़ फिक्स्ड फॉर एवरी एलिमेंट। नेक्स्ट बेटे अगर हम डिस्कस करें कि डिस्कवरी जब हुई थी एटॉमिक नंबर की 1913 में, तो मेंडलीव पीरियडिक लॉ जो हम पहले पीरियडिक टेबल चल रही थी उसकी बेसिस को चेंज किया गया और एटॉमिक नंबर पे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। इस बिहाफ पे बेटे ये चीज़ देखने को मिली कि जब एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे लेफ़्ट टू राइट अरेंज किया गया तो प्रॉपर्टीज़ वर फाउंड रिपीटिंग, प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हुई दिखाई दी। किस तरह से बेटे, आफ्टर एवरी एट्थ एलिमेंट, कि हर एट्थ एलिमेंट के बाद जो नाइन्थ एलिमेंट था उसकी प्रॉपर्टीज़ अपने पहले एलिमेंट के साथ रिपीट हो रही थी। इस तरह से बेटे जो सेम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ वाले, जो सेम प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स थे वो सेम ग्रुप में रखे गए। क्यों? क्योंकि उनके सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी। आपने चैप्टर सेकंड में आइसोटोप्स वाले टॉपिक में पढ़ा है बेटे कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती हैं। जैसे बेटे यहाँ एग्जांपल देखिए, सोडियम एटॉमिक नंबर 11 है, लिथियम बेटे एटॉमिक नंबर 3 है। अगर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें बेटे तो सोडियम में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटे S3S1 है, जबकि लिथियम में बेटे भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस में 2S1। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटे सेम होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टी सेम होती। बेटे ये काम जारी रहेगा एटॉमिक नंबर 18 तक, यही तरीक़ाकार होगा। लेकिन जैसे बेटे हम एटॉमिक नंबर 18 से मूव करेंगे ऑनवर्ड, तो बेटे पहले 8 एलिमेंट का गैप आ रहा था। जब हम बेटे यहाँ पीरियडिक टेबल को बुक पे देखें तो आप देख सकते हैं बेटे एटॉमिक नंबर 18 से जैसे ही हम ऑनवर्ड मूव करते हैं बेटे, तो ये 10 नए ग्रुप्स ऐड हुए। 8 का गैप पहले था बेटे, 10 ग्रुप्स नए और ऐड हो गए, जिसकी वजह से गैप टोटल कितना हो जाएगा बेटा जी 18 का। और हमने यही लिखा बेटे बुक में कि एटॉमिक नंबर 18 से जैसे ही हम मूव करेंगे बेटे तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एवरी नाइन्थ एलिमेंट क्या होंगी बेटा जी, रिपीट होंगी। ये हमें सेम बिहेवियर दिखाई देगा। इसी तरह से बेटे हम इसको फर्दर अगर डिस्कस करें थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्म, ये तकरीबन वही बात है बेटे, दोबारा डिस्कस की गई है कि एटॉमिक नंबर की सिग्निफिकेंस की वजह से हमने उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है ना, इस वजह से हमने उसकी कि हमने एटॉमिक नंबर की वजह से एलिमेंट्स को अरेंज किया। तो बेटे इस वजह से हमने भी पढ़ा है प्रॉपर्टीज़ रिपीट हो रही थी, तो प्रॉपर्टीज़ का रिपीट होना केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बेटे यहाँ कहलाएगा पीरियडिसिटी, रिपीटिशन ऑफ द प्रॉपर्टीज़ आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। और वो रेगुलर इंटरवल बेटे अभी हम ऊपर पढ़ के आफ्टर एट्थ एलिमेंट और आगे हमने पढ़ा आफ्टर एवरी 18th एलिमेंट। तो बेटे इस तरह से जब हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया तो हॉरिजॉन्टल रोज बनी, जिसको हमने नाम दिया पीरियड्स में। पीरियड्स का बेटे जब आप देखें, जैसे मैंने यहाँ आपके सामने, मैं चले आपके सामने एग्जांपल शेयर करता हूँ बेटे। ये सोडियम है बेटे, आप जानते हैं उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, 11 बेटे उसका एटॉमिक नंबर है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटे अगर हम करें तो 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। इसी तरह से बेटे अगर हम बात करें लिथियम की, एटॉमिक नंबर बेटे 3 है, 1s2 2s1, तो ये सेम हो रहे थे बेटे। लेकिन अगर हम बात करें बेटे, मैं आपके सामने मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 है, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। तो बेटे आप देख सकते हैं कि यहाँ 3s1 है, यहाँ 3s2 है, एटॉमिक नंबर यहाँ 11 बेटे, यहाँ 12। तो ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो रही है बेटे। इस वजह से हमें पीरियड्स में एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या दिखाई देंगी, डिफरेंट दिखाई देंगी। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर पे। और एटॉमिक नंबर के पे क्यों करते हैं, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉनिक नंबर पे ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया करते हैं।